हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अभी तक जो काम स्वयं नरेंद्र मोदी नहीं कर सके, जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे से नहीं हटा सके, वो विपक्ष ने मिलकर खुद कर दिया। राहुल गांधी जी के सपने को ऐसे लात मार के फेंका ना, राहुल गांधी जी के साथ मोए मोए हो गया। मैं पूछूंगा महंगाई बेरोजगारी है तो बीजेपी क्यों जीत रही है, तो ये अंबानी अडानी पे आ जाएंगे। फिर मैं अंबानी अडानी का जवाब दूंगा तो ये किसी और धर्म वाले मुद्दे पे आ जाएंगे। मैं धर्म का जवाब दूंगा तो ये डेमोक्रेसी वाले मुद्दे पे आ जाएंगे। इनके पास सिर्फ एक ही मोटिव है कि भैया हमें मोदी को हराना है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS 24। देखिए, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की चौथी मीटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। विपक्ष की इस तूतू मैमे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर PM पद का उम्मीदवार विपक्ष किसको उतारने वाला है। चलिए जनता से जानते हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या विपक्ष बिना चेहरे के इस बार चुनाव लड़ेगा। क्या नाम है सर आप? ऋषिकेश शुक्ला। क्या लग रहा है सर, बिना चेहरे के चुनाव लड़ने वाला विपक्ष इस बार? लग तो यही रहा है, अभी तक राहुल गांधी जी थे, अब मैं सुन रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस पे मुझे एक कविता याद आ रही है जो शायद सभी ने सुनी होगी। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अभी तक जो काम स्वयं नरेंद्र मोदी नहीं कर सके, जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे से नहीं हटा सके, वो विपक्ष ने मिलकर खुद कर दिया। राहुल गांधी जी के सपने को ऐसे लात मार के फेंका ना, राहुल गांधी जी के साथ मोए मोए हो गया। राहुल गांधी जी अभी तक सपना लेके बैठे थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये चला था खेलाओ बे कहाँ, बंगाल में तो कुछ खेला नहीं हुआ। ममता बनर्जी वैसी की वैसी बनी रही, लेकिन उन्होंने आके दिल्ली में खेला कर दिया और राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री पद का दावेदारी खत्म कर दी। और खड़गे जी भी जो गांधी परिवार के सबसे वो क्या बोलते फेवरेट इंसान है, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति है, उन्होंने भी एक भी बार नहीं बोला कि भैया मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री। मतलब कहीं ना कहीं सबके मुँह में लड्डू फूट रहा है कि भैया मैं प्रधानमंत्री। तो ये तो हाल है। तो भैया 28 के 28 प्रधानमंत्री, पता नहीं मंडे को कौन होगा, ट्यूसडे को कौन होगा, वेडनेसडे को कौन होगा, ये तो यही जाने। सर ये बताइए, जिस तरीके से विपक्ष जो है खड़गे साहब का नाम आगे कर रहा है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष खुद भी नहीं समझता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? ममता बनर्जी तो बोल चुकी है ना कि भैया राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते तो हार जाते हैं, तो हम राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी राहुल गांधी जी का साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सारे नेता जो है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि भैया सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी मैं हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। तो राहुल गांधी जी को तो वैसे भी कोई नहीं समझता था, ये राजकुमार थे, चम्मच लेके आए थे, इनके पास बहुत सारे धन दौलत थे, तो इनको लगा सब पार्टियों को कि भैया फंड की कमी पड़ेगी तो कांग्रेस देगी, इसी वजह से कांग्रेस को साथ में लेके रखा है, वरना कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। एक सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप ये बताइए, लगातार जो विपक्ष है महंगाई बेरोजगारी की बातें करता है, अगर महंगाई और बेरोजगारी इतनी है तो अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए बीजेपी हर जगह कैसे जीतती जा रही? भैया यही प्रश्न तो मैं भी विपक्षियों से पूछ रहा हूँ और उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं पूछूंगा महंगाई बेरोजगारी है तो बीजेपी क्यों जीत रही है, तो ये अंबानी अडानी पे आ जाएंगे। फिर मैं अंबानी अडानी का जवाब दूंगा तो ये किसी और धर्म वाले मुद्दे पे आ जाएंगे। मैं धर्म का जवाब दूंगा तो ये डेमोक्रेसी वाले मुद्दे पे आ जाएंगे। इनके पास सिर्फ एक ही मोटिव है कि भैया हमें मोदी को हराना है, लेकिन मैं जीतूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन के क्या 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 काम करूंगा उसका इनको कुछ पता नहीं है। ये पाकिस्तान के इमरान खान बन चुके हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है कि हमें भारत को आगे कैसे लेके जाना है। ये सारे एक हुए सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए, खुद के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और मोदी को हराने के लिए, बस। और ये जनता समझ रही है, इसीलिए जनता हर बार इनको मुक्की खाने का काम कर रही है। सर ये बताइए, राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी है जो जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती? राहुल गांधी जी की एक अच्छाई मुझे कोई बता दे भैया, मैं उसको दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ। कोई एक अच्छाई तो बता दे। राहुल गांधी जी तो 70 साल से जीतती चली आई कांग्रेस अमेठी, वो तक हार गए, वहाँ से कहाँ जाना पड़ गया उनको वायनाड, जहाँ कोई हिंदी समझने वाला है ही नहीं। तो भैया जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं वहाँ तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जहाँ हिंदी नहीं समझते वहाँ तुम क्या खाक करोगे? राहुल गांधी जी का अस्तित्व खत्म है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। कहाँ पहले 400 सीट हुआ करती थी, आज मुश्किल से 3 सीट बची और शायद आने वाले चुनाव में 3 से 0 हो जाएगी। बिल्कुल। मोदी जी की आपको क्या खासियत लगती है कि जनता उन्हें इतना पसंद कर? भैया मोदी जी की खासियत पूछोगे ना तो लोग 1000 बता देंगे, मैं क्या सब बता देगा, लेकिन अगर पूछोगे मोदी जी ने एक ऐसा क्या काम किया जो जिससे मोदी जी को नहीं लाना चाहिए, तो उसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया खासियतों की कमी नहीं है, बस कमी है कि भैया हम कमी क्या ढूंढे उनमें। कोई दो खासियत बताइए मोदी जी की। मोदी जी की दो खासियत, सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राम मंदिर बनवा दिया,
भारत पांचवें नंबर पे आ गया, शायद उन्होंने बोला है कि तीसरे टर्म में तीसरे नंबर पे भी आ जाएगा। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे पे आ गया, पहले इंपोर्टर होता था, आज एक्सपोर्टर में दूसरे पे। उसके बाद मोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गया। हाईवेज़ में भारत सबसे बड़ा, सबसे अमेरिका का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो हर चीज़ में तो आगे आ रहा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना चलाने वाले आयुष्मान भारत योजना, विकास हो रहा है। तो हमें तो विकास ही चाहिए ना, और विकास के साथ डेमोक्रेसी खतरे में, तो भैया मैं चाहूंगा ऐसे ही डेमोक्रेसी खतरे में रहे। सर, जो सांसदों को निलंबित किया गया उस पर भी विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। उस जितने भी ये विपक्ष वाले चमचे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उनको क्या मोदी ने निलंबित किया है क्या, कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है? उसका जवाब तो देंगे नहीं। इनके लिए लोकतंत्र क्या है कि भैया मैं उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा दूं, मैं प्रधानमंत्री को गाली दे दूं, मैं अपने देश की मीडिया पर सवाल उठा दूं, मैं अपने देश के जितने भी ये ईडी सीबीआई जितने भी तंत्र काम कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठा दूं, तो उनको मैं अगर मॉक कर रहा हूं, उनको बेइज्जत कर रहा हूं, तो भैया डेमोक्रेसी बनी हुई है। और अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है नियम के हिसाब से तो डेमोक्रेसी खतरे में, तो भैया तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में ही रहेगी। क्योंकि अब ये कांग्रेस सरकार तो है नहीं कि भैया कुछ किया, लेकिन कांग्रेसी समर्थक को तो भैया कांग्रेस ने छोड़ दिया, अब यहाँ पे आतंकवादियों का समर्थन नहीं होने वाला, तो तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहेगी। विपक्ष वाले कह रहे हैं देखिए प्रधानमंत्री चुन के आया जनता द्वारा, तो हम भी तो चुन कर आए हैं, सांसद भी तो चुन कर ही आते हैं। सांसद चुन के आते तो भैया संसद भवन की भी तो गरिमा होती है ना, तुम सीट पे खड़े हो जाओगे, तुम ये ठोकोगे, तुम पत्ते फेंकोगे एक दूसरे के ऊपर, तुम पेपर फेंकोगे, तुम हमारे सभापति को चिढ़ाओगे, तो ये कोई गरिमा नहीं है। जितना वो दो लोग तीन लोग संसद में घुसे थे ना, वही से जितना वो गुनहगार है उतना ही ये 141 कुछ सांसदों को निलंबित किया गया, उतने ही गुनहगार ये भी है। जिस तरीके का कृत्य उन्होंने संसद भवन में किया था वही सेम काम इन्होंने भी किया, तो भैया तुम्हारे और उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या लगता है 2024 में हैट्रिक लगेगी मोदी जी की? बिल्कुल हैट्रिक, 2024 भी हैट्रिक लगेगी। बीजेपी की तो अब 2047 तक कहीं नहीं जानेगी। अगर इसके बाद मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे ना, तो उन्हीं का नंबर लगा रहेगा, और मोदी जी गए तो उसके बाद योगी जी का नंबर है। सर, राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, जाएंगे राम मंदिर देखने? देखो राम मंदिर देखने तो मैं अभी तो फिलहाल उद्घाटन में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जितनी खुशी वहां होगी उतनी खुशी मैं अपने घर पे मनाऊंगा।